ये तस्वीर तुम जोधपुर दियाँ वेख रहे हो जिथे देर रात भारी बारिश हुई है तो बारिश के नाल शहर के हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई है। पूरे शहर ने एक झील का रूप धारण कर रहा, देख सकते हो कि किस तरह लोग उत्थे रुड़ रहे हैं। इस तों इलावा जो भी व्हीकल खड़े ने उत्थे पूरे व्हीकल ने पानी के रुड़ गए हैं। तो देश भर के वक् वक् इलाकों के बारिश हो रही है, पंजाब के हालात किस तरह के चल रहे हैं इस तों हर कोई जाणू आ कि किस तरह पंजाब के हड़ आए हुए ने, लोगों के घर डुब गए ने, फसलां डुब गई ने, पहाड़ी इलाकों के किस तरह का मंजर है जिथे देखदे ही देखदे लोगों के घर डिग पैंदे ने, लैंडस्लाइड उत्थे हो रहे हैं। तो हुण ये तस्वीर राजस्थान के जोधपुर तो सामने आईया ने जिथे हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई है। तो कल देर रात भारी मीह पैंदा तो उस तो बाद किस तरह का आलम है वो तस्वीर थोनू दिखा रहे हैं। वेख सकते हो कि कुछ लोग जिहड़े अपने एक व्हीकल ते जा रहे हुंदे आ पर पिछों कोई व्हीकल उसनू टक्कर मार दिंदा ते वो दोनों ही रुड़ जांदे ने। तो इस तरह का आलम उत्थे बन चुकिया जोधपुर दे विच, पूरा शहर जिसने झील का रूप धारण कर लिया। तस्वीर बेहद भयानक कही जा सकदियां ने क्योंकि एक पासे थोनू शहर दे विच बिजली भी दिख रही होनी है तो दूसरे पासे पानी जिहड़ा वह दिख रहा होना, तो लोगों की जान नू भी उत्थे खतरा बनिया होया। इस तरह के हालात उत्थे बन जाते हैं क्योंकि जेकर राजस्थान की गल की जाए तो राजस्थान दे विच कई दिनों तो उत्थे बारिश हो रही है, भारी बारिश जी उत्थे देखने को मिली आ वख वख शहरों के विच। तो उत्थे ये तस्वीर जोधपुर तो सामने आईया ने, वेख सकते हो कि किस तरह बिजली उत्थे लश्क रही आ। तो तस्वीर जिहड़ियां ने ये जोधपुर दियां ने जिथे भारी मीह पिया ते भारी मीह पैण कारण उत्थे किस तरह का हाल हो गया। तो पूरे शहर जिहड़ा झील का रूप उसने धारण कर लिया, लोगों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है, लोगों के घर तक पानी पहुँच चुका, लोगों का रुजगार जिहड़ा वो बिल्कुल ठप हो चुका क्योंकि दुकानों के अगे पानी पहुँच चुका, लोगों के घर पानी पहुँच चुका। तो लोग हुण इस गल दे विच लगे हुए हैं कि किस तरह पानी सुकेगा जां फिर उन्होंने मेहनत मुशक्कत कोई करनी पवेगी तो कितें जाके ये पानी निकलेगा। इस तरह दी ये तस्वीरां देख सकते हो कि किस तरह बिजली लिशक रही है। तो लोग उत्थे रुड़दे दिखाई दे रहे हैं, पानी का बहाव जिवें कोई बहुत वड्डी झील होवे, झील दे विचों पानी जिहड़ा अगे तुर पिया होवे, इस तरह का आलम है। वेख सकते हो कि स्कूटरी ते तुहानू दो जणे नज़र आ रहे होणगे, तो पिछों एक स्कूटरी रुड़दी हुई आ रही है तो जिहड़ी सीधी उन्हां दे विच जाके वजदी है तो दोनों जणे उह डिग पैंदे ने। एक महिला भी नज़र आ रही होनी आ। उस तों बाद वख वख थावां तों इस तरह दीआं तस्वीरां वो सामने आईआं ने, लोगों के वलों अपनियां छत्तां ते चढ़ के ये तस्वीरां अपने फोनां दे कैमरिआं दे विच कैद कीतीआं गईआं ने। तो लोगों के करीब लख लख तक पानी उत्थे पहुँच चुकिआ, इस तरह का आलम उत्थे हो चुकिआ। लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि हड़ वर्गे हालात उत्थे बन चुके ने, लोगों के लिए भारी दिक्कत हो गई है कि किस तरह हुण घरां दे विचों बाहर निकलिया जाए। एक समा जिहड़ा वो रात का है गया, तो रात के समय बिजली कट भी लग जाते हैं तो उस तों बाद कई जिहड़े लोगों के घर ने उसनू भी नुकसान पहुँचता क्योंकि आम तौर पर पंजाब दे विच भी इस तरह दीआं तस्वीरां देखण नूं मिलदीआं ने जदों हड़ वर्गी स्थिति दे विच लोगों के घर बह जाते हैं, किसी के घर के जो न्यों हुंदी आ उस दे विचों पानी फिर जाता। पहाड़ी इलाकों के विच भी इस तरह दीआं उह तस्वीरां देखण नूं मिलदीआं कि जदों देखदिआं ही देखदिआं जिहड़े वो घर ढह ढेरी हो जाते हैं, रह जाता तां सिर्फ मलबा। तो उत्थी इह तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कि किन्नीआं भयानक जिहड़ीआं उह तस्वीरां कह सकदे आ। कुदरती करोपी हैगी है, आम तौर पर जिवें कह दिता जांदा कि कुदरत दा कहर जिहड़ा वह देखण नूं मिल रहा पूरे शहर दे विच। हर पासे कोई भी गली आ चाहे कोई मेन रोड हैगी, हर पासे पानी ही पानी वह नज़र आ रहा। पानी की गति की आ वह भी तुसीं कहिंदा इस वीडियो दे राहीं देख सकते हो कि किन्नी स्पीड दे नाल पानी अगे वधदा दिखाई दे रहा। तो तस्वीरां दे विच वेख सकते हो कि किस तरह एक स्कूटरी पिछों पानी दे विच रुड़ जाती आ ते कितनी वो स्पीड दे नाल अगे वधदी आ। तो उस तों बाद जो अगे उस दे आउंदा जो भी कहिंदा जिवें देख सकते हो कि स्कूटरी वाला एक होर अगे खड़े हुंदे आ ते वो दोनों स्कूटरियां पानी दे विच रुड़ जांदियां ने। तो इस तरह का मंजर जिहड़ा पहाड़ी इलाकों के विच भी देखण नूं मिलिया सीगा कि जदों दे
जो पहाड़ी इलाकों के लोगों के घर रुड़ जाते हैं, गड्डिया रुड़ जाब फसल वो डुबिया हो गए ने। क्योंकि जेकर गल की जाए रावी की, तो रावी के भी पानी का पद्धर वध्या होया, सतलुज के कई जगह पर पहाड़ पिया होया, तो घग्गर के खासकर सरदूरगढ़ शहर में उसने मार पाई हुई है। तो तस्वीर ने बड़िया मंदभागिया तस्वीर कही जा सकदियां ने, क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत होया, लोगों का कामकाज ठप हो गया, लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका। तो हर हुण उत्थे जिहड़े लोग यही अपील कर रहे हैं प्रशासन नूं कि जल्द तो जल्द टीम बना के भेजिया जाण, तो जो घरां तक पानी पहुँचा तो उसनों बाहर कढ़िया जाए। हालांकि इत्थे कोई अजे तक जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, पर माली नुकसान जिहड़ा हुंदा जरूर दिखाई दे रहा कि किस तरह लोगों के साधन वह बह गए हैं। तो इस तरह दीआं तस्वीरां ने